हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SFTA इंडिया। सूर्यांशी फिनांस ट्रेडिंग एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का कमिंग वीक एक्सपायरी यानी 8 अक्टूबर का जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और कौन सा लेवल के अंदर वो कमिंग वीक में काम होगा उसको ब्रीफली टेक्निकली उसको एक्सप्लेन भी मैं आप लोग को करूंगा। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीक में जो लेवल दिया था वो कैसे काम हुआ उसके ऊपर भी एक झलक देखेंगे और कैसे प्रॉफिट कमाया। मैं भी उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छा प्रॉफिट कमाए होंगे। तो चलिए दोस्त, हमारा स्टूडेंट लोग कैसे पैसा कमाए उसके ऊपर हम लोग एक देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीक का जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के अंदर आप देख सकते हैं ये आज का ट्रेड है। अब ये आज का ट्रेड है, उसके अंदर एक स्टूडेंट ने मेरा 34,981 यानी कल वो बैंक निफ्टी का 21,700 का एक कॉल बाय किया था, ऑल्सो निफ्टी का 11,300 का कॉल बाय किया था जिसी में 16,500 और 13,700 वो प्रॉफिट हुआ था। ऑल्सो आज मेरा जो लेवल था, जो लेवल मैं आप लोग को आज प्रोवाइड किया था, यहाँ पे देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं कल लेवल दिया था और आज मैं आप लोग को, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसी फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ सकते हो। हर रोज लेवल के ऊपर काम करोगे। मैं आप लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैं आज भी TVS मोटर में बाइंग कॉल दिया था तो एक बेहतरीन TVS मोटर भी पिक हुआ, तो उसके चलते ये बंदा, तो यहाँ पे देख लीजिए ये बंदा आपको यहाँ पर TVS मोटर में 5,000, बैंक निफ्टी में 13,000 और निफ्टी में 11,000 मिला के 34,981 का प्रॉफिट किया। और दूसरा एक बंदा, तो आप लोग यहाँ पे देखिए एक 4,020 का प्रॉफिट शेयर किया था हमारा साथ में, और तीसरा 6,183 का भी एक प्रॉफिट किया था। तो दोस्त, और आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ आदमी व कुछ स्टूडेंट मेरा भेजे हैं। यहाँ पे देखिए, एक दिन मेरा स्टूडेंट ने यहाँ पे भेजा था निफ्टी को 11,000 का कॉल बाय किया था जिसमें उसको 5,170 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। और आज भी वो भेजा था, देखिए गुड मॉर्निंग सर, आज पर निफ्टी यहाँ पे देखिए 11,300 का कॉल वो लिया था जिसमें उसको 13,500 का मुनाफा हुआ था। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग जो भी मेरे लेवल के अंदर काम करते हो दोस्त, प्लीज़ आपका प्रॉफिट स्लॉट मेरे को भेजिए। मैं एटलीस्ट इतना तसल्ली होगा, इतना मेहनत का आप लोग को लेवल प्रोवाइड करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे को अपना प्रॉफिट स्लॉट भेजोगे। चलिए दोस्त, चलते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल में कैसे काम हुआ। यहाँ पे देखिए, आप जो प्रीवियस एक्सपायरी यानी आज जो एक्सपायरी हुआ है 1 अक्टूबर एक्सपायरी का जो बैंक निफ्टी का लेवल दिया था, ये देखिए ये लेवल मैं यहाँ पे आप लोग को किससे काम हुआ, आप लोग किससे काम करोगे मैं उसको एक ब्रीफली समझा देता हूँ, उसके बाद कमिंग फ्यूचर का व कमिंग एक्सपायरी का हम लोग देखेंगे। ये जो दोनों लेवल दिया था यहाँ पे आप देखिए, मैं ये बोला था कि 21,268 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी एक बार 15 मिनट रुक जाता है ग्रीन कलर कैंडल करके, आपको बाय करना है, आपको यहाँ पे 21,700 आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्त, मार्केट ओपन हुआ तो देखिए कहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ, तो सिर्फ यहीं पे हमारा जहाँ पे जो जोन था, जोन के ऊपर मार्केट ओपन हुआ। 15 मिनट तक होल्ड करने के बाद ये बैंक निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ चला गया। आप देखिए, अगर कोई आदमी 21,200 या 300 का कॉल बाय किया होगा तो उसको कितना मुनाफा मिला होगा। आप यहाँ पे देखिए, आराम से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया 28th, यहाँ पे देखिए 28th सितंबर का लेवल किससे काम हुआ। उसके बाद आप चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, देखिए नेक्स्ट डे, तो यानी 29th को, यहाँ पे देखिए 29th को ये अपना 21,773 और 21,850 लेवल के अंदर ओपन हुआ
गैप अप होने के बाद ये सात, यहाँ पे देखिए गैप अप होने के बाद मैं बोला था 10-15 मिनट अगर ये लेवल के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे एक सेलिंग हुआ था। देखिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी में भी आप लोग पुट अगर बाय किए होंगे अच्छा मुनाफा कमाए होंगे। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप खुद यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते होंगे। तो चलिए 30 तारीख में क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए सेम ओपन हुआ डिमांड के जोन के पास, एक यू कर्व बनाया। आप लोगों को मैं हमेशा यू कर्व के बारे में बताता हूँ, देखिए यू कर्व बनाया। फिर आप लोग अगर यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किए होंगे, आप देखिए कैसा मुनाफा के साथ आपको वो दिन भी प्रॉफिट मिला। ये मिलने के बाद आप फिर भी देख सकते हो ये लेवल किससे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए आज यानी 1 अक्टूबर आज क्या हुआ, ये सप्लाई जोन को ब्रेकआउट किया। मैं बोला था 21,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चला जाता है, ये स्पॉट प्राइस है फ्रेंड्स, तो यहाँ से बेहतरीन पीक आएगा। ये बात बोला था, अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है मेरा प्रीवियस वीक का जो वीडियो है निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसको आप देख सकते हैं। ये जोन ऐसे भी खींचा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे क्या बेहतरीन पीक के साथ आज आपको बैंक निफ्टी के अंदर काम हुआ है। आप देखिए एकदम अच्छा पिक, जो लेवल दिया था 4 दिन कंटिन्यूस आपको ट्रेड मिला, और आप लोग को क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं कमिंग वीक के अंदर, निफ्टी का भी आप लोग देख सकते हो प्रीवियस वीडियो जाके, वहां पे भी निफ्टी में एक अच्छा जो लेवल के अंदर ही काम हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए निफ्टी आप लोग खुद जाके वीडियो देख लो और उसको एनालिसिस करो कैसे हुआ है। तो हम लोग चलते हैं कमिंग वीक यानी 8 अक्टूबर का जो एक्सपायरी रहेगा उसके अंदर कैसे काम होगा। ये 4 लेवल में निकाल के आपके लिए लाया हूं। यहाँ पे देखिए 11,620, 11,590, 11,480 और आपके लिए 11,300। देखिए ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव होगा, एग्जिस्ट निफ्टी आपको पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, अपना मार्केट गैप अप होगा। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव, हमारा एग्जिस्ट निफ्टी नेगेटिव, तो हमारा मार्केट गैप डाउन होगा। दोनों वाइस वर्सा होगा तो हमारा मार्केट फ्लैट रेंज में होगा ओपन। तो दोस्त अभी हम लोग देखते हैं तो बाइंग लेवल कहां से आएगा। तो हम लोग नॉर्मली मार्केट गैप डाउन होता है तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। 11,300 के पास अगर मार्केट आता है, एक यू कर्व बनाता है, आप एक ग्रीन कलर कैंडल यहां पे आपको मिलता है, तो आप दोस्त कन्फर्मेशन के साथ बाय करिए। तो आपके लिए पहला टारगेट होगा 11,480, पहला बाइंग यहां पे शुरू होगा। अगर मार्केट गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट रेंज में होता है, तो आपको क्या होगा, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा आज का जो हाई है, ये हाई के ऊपर आप बाय करिए तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ये आज का लो अदरवाइज 11,300 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, बेटर होगा हाई के ऊपर अगर आप बाय करते हो तो आज का लो रहेगा स्टॉप लॉस। आपके लिए छोटा टारगेट है 11,480, अगर ये क्रॉस करके जाता है तो फिर सेकेंड टारगेट 11,590 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेड थोड़ा कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ये एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन है। 11,480 से लेकर 11,590 ये एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन, ये एक्चुअली आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। तो ये क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। तो यहाँ के इसी के अंदर 11,480 और 11,590 के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है 11,428 माने आज का हाई के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप एक बार बैठ सकते हो लो कॉस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दे के पहला टारगेट 11,480, सेकेंड टारगेट 11,590 ये आप ले सकते हो अगर एग्जिट निफ्टी ग्लोबल मार्केट प्योरली पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव होता है गैप डाउन में 11,300 में ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। ये हो गया बाइंग साइड। अगर ज्यादा गैप अप होता है, कोई बड़ा न्यूज आता है विद इन द वीक मंडे से लेकर थर्सडे के अंदर में आपको लेवल मिलता है 11,620 इसका ऊपर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है मिस मत करो, यहां से 12,000 का टारगेट आप लेके जा सकते हो। 3 लेवल है,
ये सबसे बेहतरीन लेवल है 11,300, और आपको कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना है 11,428 के ऊपर। ये आपका 11,480 और 11,590 आपके लिए टारगेट है। स्ट्रीट स्टॉप लॉस क्लियरली बताऊं, स्ट्रीट स्टॉप लॉस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, तो ज्यादा वीक के अंदर आपको यहां पे मिलता है 11,620 के ऊपर अभी अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप बाय में जा सकते हो बड़ा मूव लेके। ये प्योरली वीकली हो गया। तो हम लोग देखेंगे सेलिंग कहां पे आएगा। तो पहला सेलिंग, मार्केट गैप अप होता है तो पहला सेलिंग आपको 11,480 के नीचे, ये भी सेलिंग आ सकता है। क्लियर है फ्रेंड। सेकेंड सेलिंग आपके लिए कहां पे आएगा, 11,890 के नीचे। ये दोनों लेवल है आपके लिए सेलिंग। यहां पे यू कर्व बना के माल आता है, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले लो। 11,480 के नीचे माल आता है, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले लो। ये दोनों लेवल है आपके लिए सेलिंग। बाइंग के लिए हाई के ऊपर, अगर आज का हाई के ऊपर ओपन होता है कंजर्वेटिव होकर स्ट्रीट स्टॉप लॉस देके बाय करो 11,480 11,590 नो ट्रेडिंग जोन के अंदर बाय करते हो स्ट्रीट स्टॉप लॉस। अगर नीचे मिलता है बेहतरीन, बाय कर लो, जितना लॉट लेने का ले लो। अगर इसका 11,620 के ऊपर मिलता है दो चार लॉट बाय कर लेना। क्लियर है दोस्त, दिस इज निफ्टी एनालिसिस। चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे आप अगर देखोगे एक कंसोलिडेटेड रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। क्लियर है फ्रेंड, इजी से कंसोलिडेट। उसका लेवल क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लेवल है बैंक निफ्टी का। क्लियर है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक लेवल आ जाता है बैंक निफ्टी का। तो कल बैंक निफ्टी क्या होगा, अगर मार्केट इसके अंदर आता है, कल फ्लैट में ओपन होता है या मंडे मार्केट में फ्लैट में ओपन होता है या गैप अप होता है गैप डाउन होता है, तो व्हाटएवर होता है, आपको एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग करना है। तो मार्केट यहाँ पे आके कि यू कर्व बनाता है, जोन के अंदर आता है और 22,140 के ऊपर मार्केट जाता है, तो आप यहाँ से क्या करोगे। देखो लेवल एकदम बेहतरीन लेवल में काम होगा दोस्त, आपको कुछ ये नहीं करना पड़ेगा। तो एक ग्रीन कलर कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो आप यहाँ पे बाय कर लीजिए। तो सिंपल दोस्त, यहाँ पे मार्केट बाय करोगे तो कितना टारगेट रहेगा, यहाँ से करीबन आप पकड़ लो 300 से 400 पॉइंट आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक लेवल है 22,500 का, एक लेवल आ रहा है 525 में एक लेवल आ रहा है आपको देखोगे। ये यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप इतना टारगेट ले लीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स, ये बाइंग करने का आपको लिए बेहतरीन जोन रहेगा। अगर नीचे के अंदर मार्केट अगर यही रेंज में ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मार्केट अगर ऐसे यू कर्व बनाता है तो आप यहाँ पे एक रेड कलर कैंडल फॉर्मेशन होता है, आप यहाँ से आप सेल में बैठिए, आपके लिए टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है फ्रेंड्स, फिर वन सेकेंड 21,550 लेख लीजिए 21,550, तो आपके लिए एक बेहतरीन जोन मिला। तो फिर अगेन अगर मार्केट आपको ये लेवल में मिलता है, कल गैप डाउन हो जाता है, तो ये लेवल के अंदर आपको एक बार फिर से बाइंग में बैठना है। यहां पे देख लीजिए एक आपको बाइंग में बैठना है, मैं आपको डायग्राम करके बता दिया। तो ये लेवल के अंदर आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे आप 500, 625 तक चला जाइए, 22,625 100 पॉइंट लीजिए। तो मार्केट अगर इसके ऊपर आपको मिलता है, आप बिंदासली, मैं इसको डायग्राम बना दे रहा हूँ आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्रीफली एनालिसिस करा दूंगा, इससे ही मार्केट का रिएक्शन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उसको आपको ब्रीफली एनालिसिस करा देता हूँ। देखिए मार्केट क्या होगा, अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होता है तो आपका निफ्टी भी पॉजिटिव रहेगा, एक्सिस भी पॉजिटिव रहेगा, तो उसके साथ साथ भी आपका बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रहेगा। तो मार्केट को अगर आप ब्रीफली देखोगे बट डीपली देखोगे, तो मार्केट में यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड रेंज एक्युमुलेशन हुआ है, कंसोलिडेटेड रेंज के अंदर जो रेंज का भी बफरिंग 10-15 पॉइंट ऊपर की तरफ 10-15 पॉइंट नीचे की तरफ,
22,140 और 22,000 का जो रेंज है, मार्केट क्या होगा, नॉर्मली नीचे की तरफ अगर गैप अप होता है, सॉरी गैप डाउन होता है, तो मार्केट में ये यहाँ पे कुछ वक्त बिताएगा। अगर मार्केट यहाँ से 5 से 10 मिनट रुक के एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्मेशन करता है 22,141 के ऊपर, तो आप यहाँ पे बाय करिए, आपके लिए 22,525 होगा टारगेट। क्लियर। अगर मार्केट ने कल ये कंसोलिडेटेड रेंज को होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है, तो 22,000 के नीचे अगर मार्केट ने एक रेड कलर कैंडल फॉर्मेशन करता है, आप कन्फर्मेशन के जरिए उसको ट्रेड लीजिए, आपके लिए 21,500 का होगा टारगेट। ये जो गैप अप है, ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा दोस्त। तो दोस्त सिंपल है, ये कंसोलिडेटेड रेंज को अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ दिशा पकड़ता है तो आप बाय करिए, वहां से आपको मिनिमम 300 से 400 पॉइंट का टारगेट है। और ये कंसोलिडेटेड रेंज को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहां से आप सेल करिए, तो नीचे की तरफ आपको 300 से 400 पॉइंट टारगेट। अगर मार्केट ने प्योरली गैप डाउन हो जाता है, मार्केट ने 21,550 के पास गैप डाउन होता है, तो 10 से 15 मिनट इंतजार करिए, यू कर्व बनाएगा, आप यहां से बाय करिए, 22,000 आपका होगा पहला टारगेट। चलो मार्केट गैप डाउन का सिनेरियो में बता दिया, अभी मार्केट गैप अप होता है, मंडे मार्केट किसी भी रीजन पर गैप अप होता है, तो आपका मार्केट कहां पे गैप अप होगा, 22,525। इसके अंदर जाने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ आने के लिए कोशिश करेगा। अगर 15 से 20 मिनट के अंदर मार्केट नीचे की तरफ एक यू कर्व बनाता है, कंफर्म के साथ ट्रेड करिए, तो आपको यहां से 22,140 का होगा टारगेट। यहां से मार्केट ने 22,140 का होगा टारगेट। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी है, मार्केट किसी भी न्यूज के बेस में ऊपर की तरफ उछल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 22,500 के ऊपर अगर ग्रीन कलर कैंडल 10 से 15 मिनट के अंदर रुक जाता है, यहां से आप बाय करिए, ऊपर की तरफ 200 से 250 पॉइंट ऊपर की तरफ ले लीजिए। ये हो गया आपका डायग्राम, अच्छा से उसको समझ लीजिए किससे क्या करना है। मैं जो पॉइंटिंग किया आपको उसको नोट करिए, फोटो उठा लीजिए, ट्रेड करिए, बिंदास ट्रेड होगा, पैसा कमाओगे। आप लोग जो जुड़े हुए हो, आप तो देखते होंगे मेरा लेबल कैसे काम कर रहा है। अगर इस लेबल के बारे में जानना है, सीखना है, खुद बनाना है, तो मेरा एजुकेशन में आप आ जाइए, और कोई भी क्वारी हो लेबल का लेके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। न्यू मेंबर्स हो लाइक करिए, और जो पुराने बंदे हो दोस्त, गुस्सा थूक दीजिए, गुस्सा मत करिए प्लीज दोस्त। शेयर करो इसी चैनल को, आपका फ्रेंड्स को जुड़ाओ, आप थोड़ी सी अकेला पैसा कमाओगे। अगर वही मैं सोचता होगा तो मैं कभी भी आपको फ्री में ये लेवल नहीं देता। मैं भी आप लोग को जैसे हेल्प कर रहा हूं, आप आपका फ्रेंड्स को जुड़ा दीजिए, हेल्प हो जाएगा। चलिए दोस्त, विदाई लेने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस इज एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, बिफोर टेकिंग ट्रेड प्लीज टेक एडवाइस योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आपका घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आपका वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, मेरे को विदाई दीजिए।